स्टूडेंट, टुडे वी सी द नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ ऑटोमेशन. सो फर्स्ट इट इज, टुडे द मार्केट डिमांड इज क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो प्राइस. देन next, due to globalization, market area is increased and so the demand of product is also increased. Because in today's globalization is very fast, and because of this the market area is also increased, and market area increased, that's why the demand of the product is also increased. Okay, then see, the industry cannot fulfill the requirement of market with old technology. Means जो भी अभी industries है वो जो है अभी old technology को लेके जो means हम लोग क्या करते हैं sale करेंगे तो वो fulfill नहीं होती है requirement. Okay, then the manually operated system cannot increase the productivity with greater quality. ओके, जो भी मैन्युअली ऑपरेटेड सिस्टम है, मीन्स जहाँ पे भी आप ह्यूमंस ऑपरेटेड सिस्टम रहेगी, वो क्या इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर सकते ग्रेटर क्वालिटी में, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलती है. ओके, देन सी, इंस्टेड ऑफ दिस द ऑटोमेटिक मशीन विल डू द गिवन ऑपरेशन कंसिस्टेंटली विदाउट एनी एरर्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग. ओके, इसके हिसाब से जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, ओके, वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंटली वो ऑपरेशन कर सकती है विदाउट उसमें डिस्टर्बेंस या फिर एरर नहीं आता है उसमें, और उसमें हम लोग ह्यूमन बींग भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं. ओके, सो देयरफॉर दे इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विद ग्रेटर प्रोडक्शन रेट एट लो प्रोडक्शन कॉस्ट. तो उसके वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिक मशीन होने के वजह से क्या क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाती है, और प्रोडक्शन भी क्या होता है, जल्दी जल्दी होता है, फास्ट होता है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस होता है. उसके वजह से क्या होता है, जो भी आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी आपको क्या होती है, कम में मीन्स कम इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है. ओके, कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. ओके, देन वी सी द एग्जांपल, दैट इज फॉर एग्जांपल, नाउअडेज सीएनसी मशीन्स आर हैविंग ऑटोमेटेड टूल चेंजर्स. ओके, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क जो भी मशीन्स है, ओके, सीएनसी मशीन्स जो है वो ऑटोमेटेड टूल चार्जर्स है. ओके, सो टूल चेंजिंग टाइम इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली. उसके वजह से क्या होता है, जो भी हम लोग टूल्स यूज़ कर सकते हैं करते हैं, उसके वजह से जो है टाइम आपको कम लगता है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है टाइम, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वैरायटी ऑफ द पार्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ओके, और जो भी हम लोग क्या टूल्स यूज़ करते हैं, वो वैरायटी ऑफ द पार्ट्स जो भी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग, उनको वो लगते हैं. ओके, रिक्वायर्ड होते हैं. सो ऑल्दो देयर आर सम प्रोसेस लाइक फॉर्जिंग न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा, वेयर द पैरामीटर्स ऑफ द प्रोसेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और ऑब्जर्व मैन्युअली. ओके, इसमें भी जो है ऑटोमेशन में भी कुछ कुछ प्रोसेस ऐसे रहते हैं, जैसे कि फॉर्जिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स है एक्सेट्रा, ये जो प्रोसेसेस है. ओके, इसमें जो भी कंट्रोल्ड है या फिर ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं वो मैन्युअली होता है. ओके, कुछ कुछ प्रोसेस में. देन इन सच प्रोसेस ऑटोमेशन इज़ रिक्वायर्ड, ये सब प्रोसेस को ऑटोमेशन लगता है, विच ऑटोमेटिकली चेक एंड कंट्रोल द ऑपरेशन. ऑलरेडी आपको पता व्हाट इज़ द ऑटोमेशन, विच ऑटोमेटिकली चेक एंड कंट्रोल्स दी ऑपरेशन. सो द वर्क विच मैन कैन नॉट डू फिजिकली, दैट ऑटोमेशन कैन डू ईजिली. मीन्स जो भी ह्यूमन बींग्स वर्क जो फिजिकली नहीं कर सकते, वो जो है ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन आप लोग ईजिली कर सकते हो. ओके,
So automation can achieve the superior performance than the manual system in terms of the power, precision, speed of operation. ओके सो ऑटोमेशन के इससे क्या होता है, जो भी अपना परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है, सुपीरियर रहता है, बिकॉज इट इज़ अ मैनुअल सिस्टम है एंड पावर भी कम लगते हैं, प्रिसीजन और स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है. ओके मीन्स उसमें ह्यूमन बीइंग नहीं होने के कारण क्या होता है, जो भी मशीन्स है उसमें ऑटोमेशन होने के कारण उसमें कम कॉस्ट और स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी ज़्यादा रहता है. मीन्स वो रुकती नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो. ऑटोमेशन मीन्स वो ऑटोमेटिकली वो उसको ह्यूमन बीइंग का सपोर्ट नहीं लगता है. ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, जो भी परफॉर्मेंस है वो सुपीरियर रहेगा बिकॉज मैनुअल सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ पावर, प्रिसीजन एंड स्पीड ऑफ ऑपरेशन. ओके सो दीज आर द नीड्स ऑफ द ऑटोमेशन. Then we see the benefits of automation. Okay, first we see benefits. It is the increase the productivity in terms of machines. Machines can work continuously without tiredness. So automation usually increase the duty cycle for the machines, thus yielding more machine hours per day. Okay, because it is automation. And it is the not stopping system and without tiredness. So इसके वजह से क्या होता है, जो भी आपको work मिलेगा वो continuously without tiredness चलता रहेगा. उसके वजह से आप जहाँ पे भी मिस देना चाहते हो प्रोडक्शन टाइम पे वो वहाँ पे मिल जाएगा. तो क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी उसके वजह से, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. ओके दिस मोर गुड्स प्रोड्यूस्ड पर मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर एरिया इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी. ओके देन सेकंड इट इज़ द इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी. ऑटोमेशन रिड्यूस एरर्स इन द प्रोडक्शन एंड ऑल्सो रिड्यूस द वेस्ट एंड द रिवर्स. ऑटोमेशन के इससे क्या होता है, जो भी डिस्टर्बेंस है प्रोडक्शन में या फिर एरर्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड वेस्टेज भी नहीं होगा और रिवर्क्स भी आपको नहीं करना पड़ेगा, रिड्यूस हो जाएगा वो. फॉर एग्जांपल द एरर रेट ऑफ अ मैनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ट्रक पिस्टन इनटू द इंजन वाज अराउंड 1 to 1.5%, बट हैज बीन रिड्यूस टू 0.00001% विद ऑटोमेशन. ओके ये एग्जांपल दिया उन्होंने कि जो एरर रेट है मैनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ट्रक पिस्टन का वो अराउंड 1 to 1.5% रहता था, बट विद जब उन्होंने ऑटोमेशन यूज़ किया तो सो इट इज़ रिड्यूस टू 0.00001%. ओके सो ऑटोमेशन इंक्रीज द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी. देन थर्ड इट इज़ इट विल इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड convertibility. Okay, so manufacturers can easily switch from one product to another product without change in its existing production setup. Okay, so automation होने के कारण क्या होता है, हम लोग easily switch कर सकते हैं one product to another product, कोई भी existing production setup वहाँ उसमें नहीं change करना पड़ता है. Okay, so automation will provide the flexibility and convertibility to the system without change in its existing setup. Okay, means हम लोग setup जो है एक production से other production में लेके जा सकते हैं, उसमें वो कोई भी production setup का change नहीं होगा. Okay, so it is increase the flexibility and convertibility. Then we see the fourth one, it is reduce the manpower. Yes, because it is automation requires only high skill workers for the supervision and maintenance. Automation के लिए जो है skilled workers लगते हैं for supervision and maintenance के लिए, so उसमें आपका जो manpower है वो reduce हो जाता है.
ऑटोमेशन रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ द लो स्किल्ड वर्कर्स, मीन जो भी लो स्किल्ड वर्कर्स रहेंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, आपको नहीं लगेंगे, जो भी हाई स्किल्ड वर्कर्स है वही आपको लगेंगे सुपरविजन और मेंटेनेंस के लिए सिर्फ. ओके, देन वी सी द फिफ्थ वन, इट इज़ द रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ द पर्सनल एक्सीडेंट. यस, बिकॉज देयर आर द नंबर ऑफ सेफ्टी इंटरलॉक्स इन द ऑटोमेशन सिस्टम. ऑटोमेशन होने के कारण क्या उसमें नंबर ऑफ सेफ्टी इंटरलॉक्स रहेंगे, सो उसमें जो एक्सीडेंट होते हैं, नंबर ऑफ इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो जाते हैं ह्यूमन की वजह से, वो रिड्यूस हो जाएगा. ओके, देन ऑटोमेशन रिड्यूस द एक्सीडेंट वाइल वर्किंग इन अ हैज़ार्डस कंडीशंस, मीन्स अगर एक जो कंडीशन है जहाँ पे बहुत हजार्डस या फिर क्रिटिकल कंडीशंस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वर्किंग के समय, तो वो भी ऑटोमेशन के इससे विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन वो क्या एक्सीडेंट रिड्यूस हो जाएगी. ओके, देन वी सी द सिक्स्थ वन, इट इज़ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. As the automation increase, the production capacity per machine be per day. Okay, so as the automation increase, the production capacity per machine per day. Means automation जैसे जैसे increase हो जाएगा वैसे capacity भी per day में increase होती है. So this reduce the production cost of the product. उसके इससे क्या हो जाता है, जो भी production की cost है product की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाएगी. देन वी सी द सेवन्थ वन, इट इज़ द बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल. ओके, देन ऑटोमेशन कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल्स, गुड्स इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स एंड एनर्जी थ्रू आउट द प्लांट. ओके, ऑटोमेशन जो भी है वो क्या करता है, कंट्रोल करेगा फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, गुड इन प्रोसेस. ओके, जो भी मटेरियल्स रहेंगे उसका फ्लो जो है वो कंट्रोल करेगा, प्रोसेस भी गुड रहेगी, और जो भी फिनिश भी अच्छे से होगी, और एनर्जी थ्रू आउट द प्लांट भी जितनी चाहिए उतनी यूज़ होगी. ओके, सो जस्ट इन टाइम सिस्टम कंसेप्ट इज अचीव्ड. सो जस्ट इन टाइम कंसेप्ट विल बी अचीव्ड, मीन्स जहाँ जब मीन्स टाइम पे आपका प्रोडक्शन होगा और टाइम पे भी डिलीवरी होगी प्रोडक्शन की, सो इट विल बी जस्ट इन टाइम सिस्टम कंसेप्ट विल बी अचीव. लास्ट विल बी इंक्रीज द प्रोडक्ट, सॉरी प्रॉफिट, इंक्रीज प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोडक्शन volume. So the profit can be maximized by the producing a good quality product which may sell at a higher price in larger volumes with the least production cost and time. Okay, so profit bhi increase ho jayega because maximum production hoga, good quality products production hoga, aur higher rate price mein wo sale bhi ho jayega large volume mein, aur less production bhi cost or टाइम होगी, मीन्स खर्चा भी कम रहेगा और टाइम भी कम लगेगा. बिकॉज ऑफ दिस इट विल इंक्रीज द अवर प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ वी यूज द ऑटोमेशन. ओके, सो दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द नीड एंड बेनिफिट्स रिगार्डिंग द ऑटोमेशन. ओके, सो थैंक यू.